आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक रियर व्हील ड्राइव कार है जो कह रहा है कि एक्सेलरेट्स क्विकली फ्रॉम रेस्ट, द ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट द कार नोजेस अप। व्हाई डज इट डू दैट? वुड अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार डू दैट? अच्छा, तो कार क्या होता है, जनरली टू टाइप का होता है, एक रियर व्हील ड्राइव होता है, एक फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक रियर व्हील ड्राइव कार है, उसको हम जैसे ही एक्सीलरेशन देते हैं वो रेस्ट से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फ्रंट व्हील ड्राइव कार में भी ऐसा हो पाएगा? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रियर व्हील ड्राइव कार में मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, किस मैकेनिज्म पर रियर व्हील ड्राइव कार काम करता है? ठीक है, तो ये मान ले रहे हैं अपना एक कार है ये। ठीक है, और ये दो इसका व्हील्स हो गए, हमको इधर मूव कराना है कार को। ठीक है, एक्सीलरेशन इधर दे रहे हैं, तो एक्सीलरेशन इधर है, तो ये वाला रियर व्हील हो गया और ये वाला फ्रंट व्हील हो गया। ठीक है, तो रियर व्हील ड्राइव कार में क्या होता है कि रियर व्हील ड्राइव कार, ठीक है, रियर व्हील ड्राइव कार में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, कोई भी कार का जो होता है उसका जो बॉडी, जो ओवरऑल बॉडी का जो वेट होता है या मास होता है, वो जनरली पीछे की तरफ कॉन्सेंट्रेट रहता है। ठीक है, ऐसा इसको बनाया जाता है कि वो पीछे की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये व्हील होता है, हम जैसे ही एक्सीलरेशन इसको देते हैं तो ये जो व्हील होता है ये क्या करता है कि अर्थ को पीछे की तरफ पुश करता है। ठीक है, इधर पुश करता है ये अर्थ को। ठीक है, जब ये अर्थ को इधर पुश करता है तो इसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है रियर व्हील पे, पीछे वाले चक्का पे या रियर व्हील पे, क्या होता है, आगे की तरफ लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है तो फिर क्या होता है, इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो ये मूव आगे करेगा, इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जिधर मूवमेंट होता है उसके अपोजिट लगता है, जिधर भी फोर्स लगता है उधर अपोजिट लगता है, तो इसके अपोजिट लगेगा, फ्रंट व्हील के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा तो ये रोल करने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, मीन्स रियर व्हील में क्या होता है कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो ये मूव कर रहा है आगे। ठीक है, फ्रंट व्हील में पीछे फ्रिक्शन लगने के कारण फ्रंट व्हील रोटेट करने लगता है। ठीक है, और जब ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये मतलब इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण जो ये कार का जो होल मास है उसको पुश कर पा रहा है, लेकिन इस फ्रिक्शन का जो होता है आगे फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसका सिर्फ यही काम होता है कि इस व्हील को रोटेट कर सके। हम लोग लिख लेंगे कि रियर व्हील ड्राइव कार में होता क्या है, होता क्या है कि ये बैकवर्ड में अर्थ को बैकवर्ड पुशेज, अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो इसके कारण क्या होता है, इस पर फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स आता है। ठीक है, फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स आता है उसके कारण क्या होता है कि जो फ्रंट व्हील होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, फ्रंट व्हील बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फ्रंट व्हील जो होता है सो मूव तो फॉरवर्ड करता है, बट फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, मूव तो फ्रंट करता है, और जो बैकवर्ड ये जो पीछे वाले चक्का पे रियर व्हील पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो आगे के डायरेक्शन में लगता है, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका वैल्यू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा तो जरूर होना चाहिए कि वो पूरे जो कार का मास है उसको आगे ढकेल सके, आगे पुश कर सके। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है, ये हम आपको बता दिए कि रियर व्हील ड्राइव कार में क्या फंक्शन होता है कि पहले अर्थ को पुश करता है पीछे, उसके कारण पीछे वाले चक्का पे आगे फ्रिक्शन लगता है, इसके कारण ये आगे मूव करने की कोशिश करता है आगे वाला चक्का, तो इस पर पीछे फ्रिक्शन लगता है, और इसका जो फ्रिक्शन का पीछे वाले चक्के के फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो बहुत
ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो हम बता दिए कि कैसे पावर करता है रियल व्हील ड्राइव। अब फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में कार में क्या होता है कि जैसे कि अब हमको एक्सेलरेट आगे कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट आगे कर रहा है तो ये क्या है कि ये चक्का तो आगे मूव करेगा, आगे वाला जो है फ्रंट व्हील तो आगे मूव करना चाहेगा, तो इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा। ठीक है, मीन्स मूव तो आगे करना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो ये तो रोटेट होने लगेगा। ठीक है, ये रोटेट होने लगेगा, स्वयं गाड़ी तो मूव करेगा लेकिन उतना एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर पाएगा। एक तो फर्स्ट है कि पूरा मास उतना फ्रिक्शनल फोर्स रहता नहीं है कि सिर्फ मीन्स पूरे मास को घुमा मतलब लोड कर सके या आगे एक्सेलरेट कर सके, सिर्फ ये चक्का जो भी व्हील है उसके घुमाने में फ्रिक्शनल फोर्स आता है। ठीक है, अब इस पे पीछे फ्रिक्शनल फोर्स है, रियर व्हील जो है सो आगे मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पे तो कोई फोर्स अभी लग नहीं रहा है, तो ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा, आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो इस पे कुछ फोर्स लग नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि रियर व्हील जो है सो स्कीड करने लगेगा, मीन्स इस पे कोई रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगा, इस पे कोई मतलब रोलिंग मोशन हो नहीं पाएगा। जैसे रियर व्हील ड्राइव कार में होता है कि आगे वाले फ्रंट व्हील पर रोलिंग मोशन होता है, लेकिन इसमें रोलिंग मोशन हो नहीं पाएगा, तो फ्रंट व्हील ड्राइव कार में क्या होता है कि सिर्फ फ्रंट व्हील विल हैव रोलिंग मोशन होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, सिर्फ फ्रंट व्हील ही मूव कर रहा है और वो भी सिर्फ रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है, तो इसके कारण फ्रिक्शन ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका जो एक्सीलरेशन होगा फ्रंट व्हील कार में वो क्या होगा, एक्सीलरेशन इज लो, एक्सीलरेशन हो जाएगा। और जो रियल व्हील है जो इसके पीछे वाला चक्का होगा, रियल व्हील होगा मतलब इस केस में फ्रंट व्हील ड्राइव कार में जो रियल व्हील होगा वो क्या करने लगेगा, स्कीड करने लगेगा, वो रोटेट भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ स्कीड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं रियल व्हील ड्राइव कार क्योंकि इसका एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होता है, एक्सीलरेशन इज हाई। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।